नमस्कार दोस्तों, तो मोटरोला H20 और H20 फ्यूजन इंडिया पे लॉन्च हो चुका है सही फोन है। वो जो 21,000 में फ्यूजन वाला स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है, लेकिन जो 30,000 रुपए पे मोटरोला H20 लॉन्च हुआ है परफॉर्मेंस में तो आपको ठीक ठाक देगा, लेकिन जब बैटरी वो थोड़ा सा कम है, मतलब यही चीज कह सकते हैं कि ये जो दो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि जो फ्यूजन वाला स्मार्टफोन उसमें परफॉर्मेंस में थोड़ा सा कम है, लेकिन जो मोटरोला H20 वाला स्मार्टफोन इसमें बैटरी थोड़ा सा कम है। लेकिन जो असली वाला स्मार्टफोन जिसका नाम है मोटरोला H20 प्रो, वो काजर की सेप्टेम्बर महीने पर लॉन्च होगा। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपको क्यों इस मोटरोला H20 प्रो के लिए वेट करना चाहिए और अभी कोई भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो में आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का बर्बाद। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते तो गैजेट चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे इसके डिजाइन के बारे में। अब देखिए, जैसा मोटरोला एज वाला स्मार्टफोन है पीछे का लुक्स, ये जो नया वाला स्मार्टफोन इसका पीछे का लुक्स एग्जैक्टली सेम है। इसके पीछे के मटेरियल पे आपको मिलेगा ग्लास बॉडी। ये जो प्रो वाला एडिशन इसका थिकनेस होगा 8 मिलीमीटर और इसका वेट होगा 185 ग्राम। डिस्प्ले के मामले में आपको इसमें मिलेगा 6.7 इंच फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले। इसका डिस्प्ले का क्वालिटी होगा 10 बिट डिस्प्ले। इसके डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन होगा और ऑब्वियसली ये जो डिस्प्ले वो आपको थोड़ा सा कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और इसके डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट आपको मिलेगा 144 हर्ट्ज। उसके साथ आपको 576 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलेगा। मतलब कह सकते कि इस प्राइस पॉइंट में अवेलेबल सबसे ज्यादा डिस्प्ले रेट और सबसे ज्यादा टच सैम्पलिंग रेट का कॉम्बिनेशन है। अगर प्रोसेसर की बारे में बात करें आपको इसमें मिलेगा स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर। जैसे मोटरोला अपने कोई भी स्मार्टफोन में कोई कूलिंग फीचर प्रोवाइड नहीं करता, तो इसमें भी आपको कोई भी कूलिंग फीचर देखने को नहीं मिलेगा। कैमरे की अगर बात करें आपको इसमें मिलेगा 108, 16 और 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो कैमरा सेटअप उस मामले में भी ये जो प्रो वाला एडिशन सबसे बेटर है, क्योंकि बाकी की कंपनी क्या करता है वो जो फालतू 2 और 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर आपको वो प्रोवाइड करता है, लेकिन मोटरोला ने एकदम सॉलिड सेंसर आपको प्रोवाइड किया है। बैटरी के मामले में आपको इसमें मिलेगा 4500 mAh बैटरी, उसके साथ 30 वाट का चार्जर और जो कनेक्टिविटी वो आपको मिलेगा USB Type-C। ये जो स्मार्टफोन काजर की दो वेरिएंट पे आएगा, एक तो होगा 12 GB 256 GB वेरिएंट, दूसरा होगा 8 GB रैम 120 GB मेमोरी। इसका रैम का क्वालिटी होगा LPDDR5 और इसका मेमोरी का क्वालिटी होगा UFS 3.1। ऑडियो के मामले में आपको इसमें डुअल स्टेडियो स्पीकर मिलेगा, उसके साथ डॉल्बी एटमॉस का भी फीचर मिलेगा और जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो आपको मिलेगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि दरअसल ऑप्टिकल सेंसर है। तो अब जो सबसे मेन चीज, ये जो प्रो वाला एडिशन कब आने वाला है, किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होने वाला है, अभी तक जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है सेप्टेम्बर महीने पे मोटरोला एज की तरफ से एक और स्मार्टफोन आने वाला है और जितना मुझे लग रहा है यही स्मार्टफोन दरअसल वो जो मोटरोला H20 प्रो वही आने वाला है। और अगर इसके प्राइस की बारे में बात करें, इसका जो स्नैपड्रैगन 770G वाला वेरिएंट वो इंडिया पे बिक रहा है 30,000 रुपए पे, तो ऑब्वियसली ये जो प्रो वाला एडिशन है इंडिया में बिकेगा 35,000 से 40,000 रुपीज के बीच में। इसका जो 12 GB 256 GB वेरिएंट ऑब्वियसली उससे कुछ ज्यादा में बिकेगा। तो अभी हर वीडियो का जैसा इस वीडियो में आपको कहूंगा कि आपको इस स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए या फिर 40,000 रुपए में अवेलेबल जो Xiaomi का Mi 11X Pro या फिर iQOO 7 जैसा स्मार्टफोन को लेना चाहिए। अब देखिए, अगर हम मोटरोला के स्मार्टफोन के बारे में बात करें, इसका जो डिस्प्ले बहुत ही कमाल का है। पहला तो इसमें आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है, सबसे ज्यादा डिस्प्ले रेट और सबसे ज्यादा टच सैम्पलिंग रेट का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। उसके साथ आपको 10 बिट एमोलेड और कर्व डिस्प्ले का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो मतलब डिस्प्ले के मामले में एकदम कंप्लीट पैकेज है। प्रोसेसर 35,000 से 40,000 रुपीज के अंदर आपको ऑलरेडी स्नैपड्रैगन 888 मिलता है, लेकिन ये जो स्नैपड्रैगन 870 ये दरअसल दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। तो मतलब परफॉर्मेंस भी इसका कुछ हद तक ठीक ठाक है। कैमरे की अगर बात करें, इसमें आपको क्या मिलता है, ये जो Realme का स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है जो कि स्नैपड्रैगन 888 वाला स्मार्टफोन, उसमें ही देख लीजिए फालतू का वो जो 2 मेगापिक्सल सेंसर वो आपको मिलेगा, लेकिन मोटरोला ने कोई 2 मेगापिक्सल दिया ही नहीं, 108, 16 और 8 मेगापिक्सल मतलब एकदम सॉलिड कैमरा सेंसर है। और अगर इसके बाकी सारे फीचर की बारे में बात करें वो भी एकदम सही है। तो मतलब इधर मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आप अगले एक महीने के अंदर 35,000 से 40,000 रुपीज के बीच में एक ऑलराउंड पैकेज वाला कोई फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आपको 100% इस मोटरोला H20 प्रो के लिए वेट करना चाहिए। और ये तो आपको मालूम है क्योंकि मोटरोला का स्मार्टफोन है तो ऑब्वियसली कैमरा ऑप्टिमाइजेशन, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन आपको सबसे बढ़िया मिलेगा। वैसे अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जो मोटरोला
मोटरोला एच ट्वेंटी प्रो वाला स्मार्टफोन आने वाला है, क्या आप इस प्राइस पॉइंट में इसे लेना चाहेंगे या फिर इस प्राइस पॉइंट में अवेलेबल जो रियलमी जी टी मी 11 एक्स प्रो या फिर आईक्यू 7 जैसा स्मार्टफोन है आप उसे लेना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जो कमेंट में कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।